कि अगर जन लोग फैसला करेंगे तो लोकतंत्र कैसा, लोकतंत्र तो तब होगा जब हर मालिक व्यक्ति फैसला करेगा। वोट है, आप चाहो तो चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली कुर्सी बिठा दो और जब दिल्ली कुर्सी बैठे व्यक्ति को जमीन पे पटक दो मिले। अगर आप चाहते हो जो पहले सरकार के पास खाली है वो नौकरियां दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों को मिले, अगर आप चाहते हो सरकार का डंडा यह चल रहा है कमजोर वर्गों पे ये डंडा चलना बंद हो, अगर आप चाहते हो जिनपे जमीन जिनको जमीन मिले तो फिर अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ, क्योंकि ये देने का काम सरकार के हाथ में। एक समय था जब भारत में राजतंत्र था, राजतंत्र में राजा जो कह देता था वो ही सही माना जाता था, राजा ने दिन को रात कह दिया तो रात माना जाता था, राजा ने रात को दिन कह दिया तो दिन माना जाता था, राजा का फैसला अंतिम होता था। फिर महापुरुषों के संघर्ष की वजह से इस देश में लोकतंत्र आया, और जब राजतंत्र था तो इस देश के कमजोर वर्गों को बहुत सारे अधिकार नहीं थे, दलित पिछड़े आदिवासी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमान जैसे बहुत उनको बहुत अधिकार नहीं, उनको अधिकार कैसे मिले इसलिए देश में लोकतंत्र आया, सबको बराबरी का अधिकार देने के लिए आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, वो संविधान जो हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देता है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है, सबको आगे बढ़ने के अवसर देता है, जो सबकी रक्षा करता है, जो सबके धर्मों की रक्षा करता है, जो समानता की बात करता है, जो प्रेम भाईचारे की बात करता है, जो तरक्की की बात करता है, जो आपके लिए अवसर की बात करता है, अवसर की समता, जिसका अंतिम लक्ष्य यह है कि देश का हर व्यक्ति आगे बढ़ के अपने पैरों पर खड़ा हो, फिर उस संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र को समझना पड़ेगा, लोकतंत्र यानी कि जनता द्वारा जनता का शासन। लेकिन आज ऐसा है कि जिन सपनों के साथ लोकतंत्र आया था वो सपने तो पूरे हुए नहीं, जनता द्वारा जनता का शासन तो रहा नहीं, जनता का ये ऊपर चंद लोगों का शासन हो गया। तो लोकतंत्र के उद्देश्य थे, उसके उद्देश्य ये थे कि इस लोकतंत्र के साथ खड़े होकर देश की जनता जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चार चार बच्चों को कुर्बानी देकर वोट का अधिकार दिलाया, उस वोट के जरिए हम लोग अपना राज स्थापित करेंगे और राज के जरिए जो अधिकार जो सुविधाएं हमें नहीं मिली उनको हम लेने का काम करेंगे। क्योंकि जब देश आजादी देश में आई उससे पहले जो असमानता थी, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पे, चाहे धार्मिक तौर पे, उस खाई को भी भरना था। कैसे कि आजादी से पहले हम लोगों को सरकारी स्कूल में उस तरह से पढ़ने का, डॉक्टर इंजीनियर बनने का, आईएएस आईपीएस बनने का, वकील बनने का, टेक्नीशियन बनने का अधिकार नहीं था, हमको पक्के मकान बनाने का, धार्मिक स्थल पर जाने का अधिकार नहीं था, हमको सरकारी उपकरणों का लाभ लेने का अधिकार नहीं था, तो कैसे हम भी देश की मुख्य धारा में जुड़ जाए, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र में वोट की व्यवस्था की। जब वोट का अधिकार दिला रहे थे तो तमाम तरह के प्रयास हुए, कोई कहता वोट का अधिकार उसको मिले जो लगान देता है, कोई कहता उसको मिले जिसमें बहुत जमीन है, कोई कहता उसको मिले जिसका बिजनेस है, कोई कहता उसको मिले जिसको बहुत पढ़ा लिखा है। बाबा साहब ने तर्क देकर कहा कि अगर चंद लोग फैसला करेंगे तो लोकतंत्र कैसा, लोकतंत्र तो तब होगा जब हर मालिक व्यक्ति फैसला करेगा। लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी गरीबी बेबसी लाचारी खत्म हो, लंबे समय से हम लोग लगे हुए हैं कि हमें आगे बढ़ने के अवसर मिले, और जो धर्म के आधार पर जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच होती है बंद हो और भाईचारा बन के लोग मिलजुल के काम करें। लेकिन आपको क्या लगता है ये काम कोई आसान काम है क्या? इस काम को करने के लिए और इस तरह का माहौल पैदा करने के लिए आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, क्योंकि कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। आपने यहां से नगीना लोकसभा से तीन योजना में तीन अलग अलग पार्टियों के नेताओं को जिता के भेजा, पहली बार नवीन बनी आपने समाजवादी पार्टी के एमपी को जिता के भेजा, दूसरी बार आपने भाजपा के एमपी को जिता के भेजा, तीसरी बार आपने समाजवादी आरएलडी बसपा गठबंधन के प्रत्याशी को जिता के भेजा, तीन तीन लोग यहां से आपकी वोट लेके गए और दिल्ली की कुर्सी में जाकर बैठ गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या उन तीनों लोगों ने आपके हक की लड़ाई लड़ने का काम किया? क्या वो तीनों लोग एमपी बनने के बाद आपकी बस्ती में आए आपके हाल जानने के लिए? क्या उन्होंने कभी आपकी सड़कें, आपका भूखा पेट, आपके टूटे मकान, बिना पलस्तर के मकान, कच्चे मकान,
मुसीबतों में घिरे देख के आपकी लड़ाई लड़ी। मुझे आप कैसे जानते हो, कैसे जानते हो आप लोग मुझे? फोन पे जानते हो, इसलिए जानते हो कि मैं नेता का बेटा हूँ, कोई पैसे वाला व्यक्ति नहीं आ, इसलिए जानते हो कि मैं आपके अपने बीच का संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ। कितने जानते हो, कितने जानते हो बताओ जोर से। मैं डोंगी बैरी भेद फौज का नेता बनना चाहता हूँ, नहीं। ये डोंगी बैरी फौज कहाँ से लाए हो? डोंगी बैरी फौज आपने नेता भी ऐसे बनाए, ना आप बोलते ना नेता बोलता, तो फिर कैसे आपकी लड़ाई सरकार आपकी समस्या दूर कर दे? जब तक आप बोलोगे नहीं तो सुनेगा कैसे? सुनो एक और कहावत सुनो, ये कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी उसके भूखे पेट को नहीं देखती, जब वो रोता तब माँ को एहसास होता है कि उसका पेट भूखा। बताओ आपकी जिंदगी में खुशहाली है या नहीं है बताओ? क्या आपको जमीन अधिकार मिल रहे हैं नहीं मिल रहे बताओ? क्या आपको नौकरी और तमाम तरह के अधिकार मिल रहे हैं क्या? क्या आपके घर और तमाम तरह की मुसीबतों के लिए सरकार ने सोचा है क्या? क्या पढ़ लिख के जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे उनके लिए कोई सोच रहा है क्या? मैं अभी जिस गांव से आया मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा, गांव के बाहर मुझे 13-12 महिलाएं मिली। मैंने उनसे पूछा कि आप कहां गए, उन्होंने मुझे बताया कि वो यहां कोई फैक्ट्री है जिसमें काम करते, जहां उसमें वो बनते हैं, क्या बनते हैं? कसोरे। मैंने उनसे पूछा कितने पैसे मिलते हैं, उन्होंने कहा 4,500 रूपये। मैंने पूछा कितने घंटे की ड्यूटी है, उन्होंने कहा 8 घंटे की। मैंने उनसे पूछा कि बहनों को छुट्टी है, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा अगर आपको रुकना पड़ जाए किसी काम की वजह से फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा पैसे कट जाएंगे। आप महसूस करो इस जिंदगी को जिंदगी मानते हो क्या? 4,000 का मतलब, 4,500 का मतलब 30 से गुणा भाग करके देखना कितना बैठा, एक दिन का कितना? 150 रूपये। 150 रूपये मजदूरी है क्या? देखो मुझे नहीं पता कंपनी किसकी है, मगर ये शोषण है। यहाँ न्यूनतम वेतन कम से कम 500 रूपये दैनिक होना चाहिए। अगर कोई भी किसी काम को करेगा तो 500 रूपये उसे मिलेंगे, कम से कम 500 रूपये मिलेंगे। दुनिया में ऐसी व्यवस्था है भारत को छोड़ के, क्योंकि भारत के नेताओं को, भारत की सरकारों को गरीबों की कोई परवाह नहीं है। देखो दो तरह के जीवन हो गया, एक अमीरों का, एक गरीबों का। अमीरों का क्या है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, तमाम तरह की सुविधाओं के हिस्से में। और गरीबों के हिस्से में सरकारी स्कूल जहां पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकारी अस्पताल जहां इलाज नहीं हो रहा है, और अधिकार सुविधा विहीन जीवन। अब इस जीवन में बदलाव कैसे हो? आप बदलाव चाहते नहीं करते बताओ? मैं ऐसे नहीं है, जोर से बताओ कितने लोग चाहते हाथ खड़ा करो, नीचे करो। बिना आप कुछ करे बदलाव हो सकता है क्या? अगर आप कोई पौधा भी लगाओगे तो उसकी समय समय पर सुरक्षा, किसान फसल लगाता है ना, तो पहले बीज बोता है फसल हो जाती है बताओ? तो अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो आपको पहले बीज लगाना पड़ेगा। बीज कैसे लगता है लोकतंत्र में? कि आपको वोट की ताकत से अपने किसी व्यक्ति को ताकत देनी पड़ेगी। जब आप वोट की ताकत अपने किसी व्यक्ति को दोगे तो फिर वो ताकतवर होगा, जब वो ताकतवर होगा कलम की ताकत आएगी तब वो पिछ कुछ करेगा। देखो बहुत सारी तमन्ना लेके हम लोग घूम रहे कि कुछ करके दिखाए, कुछ करके दिखाए, कुछ करके दिखाए, लेकिन वो तभी संभव है जब आप इस लड़ाई को लड़ने का अवसर हमें दो। आज किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे, किसान की फसल में आवारा पशु, गुलदार, तमाम तरह की मुसीबतें हैं, प्राकृतिक मार है, कभी ओला पड़ जाता है, कभी बारिश, कभी गहरे हवा। मजदूर को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही। भारत तो एक ऐसा देश है कि दुनिया में तो जानवर बिकते हैं, यहाँ इंसान सुबह जाते हैं लोग चौराहे पे बिकने के लिए, कोई आता है पैसे वाला खरीदता है, 400 रूपये 300 रूपये देता है, शाम के टाइम 40-50 काम खत्म हो गया। अब इन सब समस्याओं का इलाज, इन सब समस्याओं का इलाज, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जिनका दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल चाहिए तो बल पैदा करो। लोकतंत्र में बल वोट से पैदा होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाने के साथ कहा कि आज मैंने रानी का पेट काट लिया है,
आज के बाद राजा मैरिट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। आप पे वोट है, आप चाहो तो चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली कुर्सी बिठा दो और चाहे दिल्ली कुर्सी बैठे व्यक्ति को जमीन पे पटक दो। ये आपकी वोट में ताकत है, ये आपके पास है, क्योंकि चाहे वो आपकी वोट हो या मेरी वोट हो या प्रधानमंत्री की वोट हो या मुख्यमंत्री, वोट एक ही गिनी जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नगीना में कुछ बदलाव हो, अगर आप चाहते हो नगीना के बच्चों नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगे और 10-15 हजार रूपये का रोजगार इन बच्चों को भाइयों को मिले, अगर आप चाहते हो जो पहले सरकार के पास खाली है वो नौकरी दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों को मिले, अगर आप चाहते हो सरकार का डंडा जैसा चल रहा है कमजोर वर्गों पे ये डंडा चलना बंद हो, अगर आप चाहते हो जिनपे जमीन जिनको जमीन मिले तो फिर अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ, क्योंकि ये देने का काम सरकार के हाथ में, इसके अलावे से कोई नहीं दे सकता। अगर आप चाहते हो कि बहन बेटियों के लिए अच्छे स्कूल बने, उनको नौकरी करने के अवसर मिले, उनके लिए अच्छी जो है कंपनियां लगे जहां वो 12-15 हजार रूपये का रोजगार कर सके, तो फिर आप अपनी ताकत बनाओ। अगर आप चाहते हो कि मेहनत मजदूरी, अभी तो खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, 150-200 रूपये मिलते हैं, जिंदगी से मुक्ति चाहते हो, अगर आप गरीबी बेबसी खत्म करना चाहते हो तो फिर अपने भविष्य के बारे में फैसला लो, उनके बारे में सोचो जो चुनाव के बाद आपके बारे में नहीं सोचते, उनके बारे में सोचो जो सिर्फ आप लोग चुनावी रिश्ता रखते हैं, जो मुझे बहुत सही नहीं जानते अपने बच्चों से पूछ लेना, बहनों से पूछ लेना जो फोन देखते हैं, वो बता देंगे कि आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद, आपका भाई 24 घंटे 7 दिन इसी काम में लगा रहता है कि कहीं ना कहीं किसी साथ अन्याय अत्याचार हो या किसी की भी जिंदगी में घुसाली आए उसकी लड़ाई लड़ी जाए। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, आज भी हम कई गांव में जाके लोगों को तैयार करके आए, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं क्या आप इस लड़ाई में मेरी मदद करोगे, मदद कैसे होगी पता आपको कैसे होगी, हमारा चुनाव चिन्ह क्या पता आपको, लाओ मैं दिखाता हूं, लाओ मैं दिखाता हूं, ये हमारा चुनाव चिन्ह है, क्या है हमारा चुनाव चिन्ह, आप किस चुनाव चिन्ह को वोट दोगे जो चंद्रशेखर आगे बढ़े बताओ। अगर एक और चीज, अब ये हाँ ये बात सही है, ये देखो दादी ने बहुत सही बात की, पकड़ना भाई मुझसे किसी और ने भी कहा भी, अच्छा ये बताओ हेलो राजनीति में सक्रिय कितने लोग हैं, मैं रैली में हूँ चंद्रशेखर आजाद जी की, बात चल रही है आपकी, पीड़ा समझता हूँ, यहाँ जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं वो चलो हम भाई से विपिन विपिन ये बताओ 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से मुंशी रामपाल जीत गए हार गए, ईमानदार से फिर हारेंगे दिल्ली से, देखो मेरी बात सुनो विपिन, मुझे बताने का वो बताने की बात है, जो सच है वो सच है, सच ये है कि यहाँ से आपके विधायक जीते थे मुंशी रामपाल, मन को नहीं जानता मगर वो जीते, घोषणा भी होगी टीवी में भी आ गया कि 300 कुछ वोट से, सर मैं जो कह रहा हूँ ना वो सच है, मैं जो कह रहा हूँ सच है, ये ग्राउंडिंग मुझे बताना, मैं जवाब से कह रहा हूँ जीत गए थे वो, लेकिन सरकार ने उनको अपने डंडे के जोर से हरा दिया, उनको भी हरा दिया, आपको पता है उनको भी हरा देते थे नई मोशन धामपुर वाले को हरा देने, एक और जीत जीते स्वामी उम्मेद को भी कहा कि यहां से भाग जाओ तुम्हें हरा देंगे, ने कहा सुनो मेरी बात कि मेरी लाश तो यहां से जा सकती है लेकिन मैं अगर जाऊंगा तो सर्टिफिकेट लेकर जाऊंगा, तब जाके उनको जिताना पड़ा, और एक और बात कड़वी है मगर सच, उनका समाज मजबूत है और उनका समाज उनके साथ खड़ा था, इसलिए स्वामी होम में लड़ पाए, मैं आपको बता रहा मेरी बात सुन लो आपको समझ आए, अगर वोट की चोरी उस तरह हो रही होती ना तो फिर वही जीतता जो जीता है, आज फिर डंडे का जोर नहीं लगाना पड़ता, और सुनो चोरी किनके घरों में होती है, जिनका पहरेदार कमजोर होता है, जिनका पहरेदार मजबूत होता है उनके घर में चोरी होती है क्या, मैं उदाहरण देके बताता हूँ, क्या SSP साहब के घर में चोरी हो सकती है क्या, DM साहब के घर में चोरी हो सकती है क्या, क्योंकि उनका पहरेदार मजबूत है और आपका पहरेदार, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ आपका बेटा भाई होने के नाते हमारा डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत है, वोट की चोरी तो दूर की बात, अगर आपको जैसे कहा जाता है ना भूत रफ्तर कर लिया, भूत रोक दिया, अगर कहीं किसने ऐसी गलती भी कर ली
तो उसको चंद्रशेखर आजाद सपने में याद आया करेगा, इस बात को आप याद रखें। कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने आप को ताकतवर मान के हमारे लोगों को डराने धमकाने का काम करेगा, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, जैनों को, बुद्धिस्टों को, हर उस गरीब आदमी को जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, अगर कोई डराने का काम करेगा तो उसको चंद्रशेखर आजाद से लड़ना पड़ेगा। ये बात याद रखें नगीना में सब लोग। इसलिए मैं आपसे बात, आप ये मत कर रहा हूं कि आप वोट दोगे चंद्रशेखर चल जाए कहीं और, आपकी एक वोट दो में तो कितनी हो सकती है, ठीक है, मगर आपकी एक वोट कोई चोरी नहीं कर सकता, चोरी हो जाएगी तब अपने फोन को कहना मैं दूंगा जवाब आप, समझ गए। क्या आपका पहरेदार कमजोर है? जब आपका पहरेदार कमजोर है तो क्यों चिंता कर रहे हैं भाई? देखो मैं आपको अपने आप को लेकर बताता हूं, एक नेताजी चुनाव जीत के डीएम साहब ने पूछा फैक्ट्री चलानी है या मेयर बनना है, नेताजी ने कहा फैक्ट्री चलानी, उनका भी लंबे हो जाओ, तो नेताजी लंबे हो गए। देखो मेरी बात सुनो, ये लोकतंत्र है, व्यापारी आज के समय में राजनीति नहीं कर सकता क्योंकि भाजपा एकदम बगल एक सीबीआई इनकम टैक्स, मेरे ऊपर तो सीबीआई इनकम टैक्स काम नहीं करती है तो मेरे ऊपर गोली चलानी पड़ी है, मेरे भाई जानते हैं सब लोग, गोली चली नहीं चली, कहां से गोली चली, मरा नहीं ना, उनकी गोली से नहीं मरूंगा। जब तक मेरे गुरुओं का, महापुरुषों का, मेरी माओ बहनों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे बड़ों का प्यार आशीर्वाद, मरूंगा नहीं, जब तक उनके बेटे में, आपके बेटे में आपका हाथ है तब तक नहीं बनूंगा, और मैं जिंदा रहूं और आपके लिए काम ना पाऊं, ये लड़ाई है बस। जब आपने सबको मौका दिया तो क्या आप अपने बेटे चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई को लड़ने का मौका नहीं दोगे क्या, बताओ? अगर देखो मुझे तो, मैं तो आपसे पहले नहीं आया नरेगा में, आप ही मंदिर आए थे अब तक, लेकिन आप ये जान लो कि मेरा ये प्रयास है, 70 साल से ज्यादा हो गए गरीबी में बस लाचारी से लड़ते हैं, अब तो ये खत्म होनी चाहिए, मेहनत तो हम उनके बराबर ही करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा करते हैं ना, फिर ये हमारे साथ ही क्यों है? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सत्ता में कितनी ताकत होती है सुन लो, जिनका जिनके ज्यादा लोग जीतेंगे उनकी सरकार बनेगी, जिनकी सरकार बनेगी उनकी ताकत होगी, जिनमें ताकत होगी वो फैसले करेंगे, फिर वो कानून बनाएंगे और जो कानून बने उनको लागू करेंगे, जिनके पास ताकत नहीं होगी कानून भी उनके काम नहीं आएंगे, क्योंकि पुलिस भी सरकार की, अधिकारी भी सरकार के, नेता भी सरकार के, आपका क्या, आपकी सिर्फ, आपके हिस्से में सिर्फ परेशानी, बेबसी, लाचारी। देखो जमीन भी सरकार दे सकती है, रोजगार भी सरकार दे सकती है, सुरक्षा भी सरकार दे सकती है, अच्छे स्कूल भी सरकार बनवा सकती है, अच्छे कॉलेज भी सरकार बना सकती है, अच्छे हॉस्पिटल भी सरकार बना सकती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया लगा के आपके क्षेत्र में, आपके बच्चों को रोजगार भी सरकार दे सकती है, जो धर्म के आधार पर गैर बराबरी हो रही, अपमान हो रहा है उसको भी सरकार दंडित चोट पर रोक सकती है, और बड़े बड़े अहंकारी को जेल में घुस के उसको भी सबक सिखा सकती है। और आज तो हालात ये है, पहले सरकारी नौकरी आती थी अपनी आती, अब तो दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे, बाल प्रजापति, कश्यप सैनी, जाट गुजर, चमार, वाल्मीकि, धोबी, पासी, कोरी, खटीक सब परेशान हैं, और ये सोच रहे हैं कि भाई इनके बच्चों का क्या होगा, जो पिछड़ी जाति के मुस्लिम भाई हैं वो भी सब परेशान है कि भाई हम आगे कैसे बढ़ेंगे, लोकतंत्र में तो आगे बढ़ने का तरीका यही है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इस बार आप इस लड़ाई में मेरी मदद कराओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।